हाँ नमस्कार बच्चों, अध्याय 14 न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हमारा चल रहा था और हमें खबर लगी है कि हमारे कई टेंथ के साथी वो भी नाइन्थ वालों के साथ में है त्रिकोणमिति की इस एक्सरसाइज के लिए। तो हम 14.1 के काफ़ी कुछ हद तक सवाल कर चुके थे और कुछ बचे हुए सवाल आप लोगों में से कई बच्चों ने स्वयं भी कर लिए, इसलिए हम 14.1 के वो बचे हुए सवाल आपके स्वयं पे छोड़ते हैं। तो आज हम 14.2 लेंगे। 14.2 में क्या है, त्रिकोणमितीय जो सर्वसमिकाएं हैं ना उनमें आपस में कुछ संबंध होता है, जैसे साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे कुछ सर्वसमिकाओं के संबंध है, कुछ व्युत्क्रम वाले कुछ सर्वसमिकाओं वाले। तो उन रिलेशन को, उन संबंधों को आज हम समझेंगे और उसमें हम एक बार पुनः वो जो पुराने सूत्र थे वो भी दोहरा देते हैं। तो उसके बाद में आप उनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। केवल एक 90 - थीटा वाले जो 6 सूत्र हैं वो आप लोगों को 10th में मिलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल 9th के अकॉर्डिंग ही हम सूत्र लिखवा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। यस, नंबरिंग भी हम कर देते हैं। ये पहला, दूसरा, अगर आपको याद हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये हम पिछली कई क्लासेज में बता चुके। ऐसे ही कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और जहां तक टेन थीटा की बात है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये तो हुए 3, जिसका आप लोगों को कई बार बताया है कि ये शॉर्टकट मेथड है इनको याद करने का। कॉट थीटा बराबर, अब ये पीछे से उल्टा होना चालू हो गए, आधार बटे लंब। अभी हम जब मान निकालेंगे संबंधों में तब भी ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर टेन का आ गया तो कॉट का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, व्युत्क्रम कर देना रेसिप्रोकल। अगर ये 5/7 है तो 7/5, 3/4 है तो 4/3, आदि आदि। तो यहां सेक थीटा वो होता है कॉस का व्युत्क्रम, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अगर आपको याद है तो आप लिखते जाइए, क्योंकि ज्यादा वक्त हम नहीं देंगे आज, बहुत बार लिखवा चुके ने। ये कर्ण बटे लंब। तो ये जो 6 सूत्र दिखाई दिए ना बच्चों आप लोगों को, इनमें व्युत्क्रम का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है व्युत्क्रम में, तो वो 7वां सूत्र हम 7वां, 8वां, 9वां व्युत्क्रम पे आधारित ले रहे हैं। कैसे, यहां पे साइन थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल सकता है कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, वो भी एक ही बात है। कॉस थीटा व्युत्क्रम होता है सेक का, तो 1/ सेक थीटा के बराबर हुआ। जहां तक टेन थीटा की बात है 1/ कॉट थीटा, ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए व्युत्क्रम वाले। अब हम ले रहे हैं कॉट थीटा, तो जो हमने टेन लिखा है उसका व्युत्क्रम कॉट, कॉट का व्युत्क्रम टेन हो जाएगा, तो 1/ टेन थीटा। जहां तक 11वें सूत्र की बात है सेक थीटा बराबर 1/ कॉस थीटा, यहां से देखिए कॉस बराबर 1/ सेक हुआ था, तो सेक बराबर 1/ कॉस। जहां तक कॉसेक थीटा की बात है 1/ साइन थीटा, पुनः पुनः देखिए साइन थीटा बराबर 1/ कॉसेक, कॉस बराबर 1/ सेक, टेन बराबर 1/ कॉट, कॉट बराबर 1/ टेन, सेक बराबर 1/ कॉस, कॉसेक बराबर 1/ साइन थीटा। हम नहीं बोल रहे तेजी से बोलने के वजह से, थीटा में ए बी भी दिया हुआ हो सकता है, थीटा भी दिया हुआ हो सकता है। और दो इसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जिनका सर्वसमिकाओं में बारंबार यूज होगा वो 13 और 14, वो भी हमने लिए थे कि टेन थीटा बराबर व्युत्क्रम में तो ये होता ही है। एक और कीमती सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पता है क्यों, क्योंकि देखो साइन बटे कॉस करूंगा ना मैं तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, वो लंब बटे आधार रह जाता है टेन के बराबर। ऐसे ही
जब टेन बराबर साइन बटे कॉस है तो कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 14 तक के तो ये सूत्र है, जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। अगर आप बिना देखे लिख रहे हैं तो साथ के साथ इनसे मिलाते रहिए, क्योंकि अब हम जो ले रहे हैं वो सर्वसमिकाएं ले रहे हैं। इतना हम आपको बता दें, क्लास टेंथ में हमने 15 से 20 तक के जो सूत्र बताए थे वो एक 90 माइनस थीटा वाले सूत्र थे, पूरक कोण वाले मामले। पूरक कोण जिसमें साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा में अगर लें तो वहां होते थे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होते थे। ऐसे 6 सूत्र टेंथ वालों के लिए थे, लेकिन फिलहाल वो नाइन्थ में नहीं है तो हम उनको छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर टेंथ वाले बैठे हैं साथ में तो वो खुद उनके आगे लिख लेना, साथ के साथ याद करना। अब इसके बाद में सर्वसमिकाएं, सर्वसमिकाओं को सर्वसमिकाएं क्यों बोलते हैं, समीकरण क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो थीटा यहां पे न्यून कोण ले रहे हैं ना बच्चों, तो किसी भी न्यून कोण अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा एक डिग्री ले, दो डिग्री ले, तीन ले, चार ले, जो श्रद्धा वो ले तो वो उसको संतुष्ट करता है, इसलिए वो सर्वसमिकाएं कहलाती है, आइडेंटिटीज। यस, ये जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। बच्चों ये क्या है, आपके वो जो 14.3 है ना वो टेंथ में भी नंबर देके जाएगी, तो उसमें जो अब मैं सूत्र लिख रहा हूं ना बच्चों, वो सर्व समीकरणों में उनको अलग से पहचान सकते हो आप लोग। कैसे, कि उनमें स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर तो यहां पे भी लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बराबर एक बटे सेक स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां तो हमने लगाया, वहां सर्व समीकरणों में वो लगे लगाए ही आते। तो यहां पे मैं 15वां सूत्र दे रहा हूं नाम उसका, वो पहली सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। वास्तव में ये आया कैसे बच्चों, वो जो बोधायन प्रमेय था ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या था, कर्ण स्क्वायर है ना बच्चों, उसी से बनी ये। एक बार सभी में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया तो पहली सर्वसमिका आ गई ये, इसमें भी कर्ण स्क्वायर का भाग प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, तो ये पहली सर्वसमिका का निर्माण हुआ। अब इसी में दो आप अलग से याद ही कर लो, बने इसी से वो, पर अलग से याद कर लीजिए नहीं तो दिक्कत आती है, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कभी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ ले तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों इसी से बनी है, ये तो थी, ये दो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर दे रही है। इसी तरह से हम 18वां सूत्र लिख रहे हैं,
वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अक्सर इस सर्वसमिका में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें तो नहीं होते, ये तो सबको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये कह रहा था मैं बच्चों, यहां पे अगर मैं 15 डिग्री और इधर भी 15 डिग्री लूंगा ना, तो साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 उसका मान एक होता है। अगर मैं 30 डिग्री लूंगा तो उसका भी मान एक होता है। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। जहां तक 19वें सूत्र की बात है, इसमें एक बराबर हम सूत्र बना रहे हैं, एक बराबर, तो ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर लूं तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये कैसे बनी सुनिए जरा, कि अगर मैं यहां पे आधार 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 स्क्वायर का भाग दे दूं तीनों में, किसका आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर, तो उससे ये सर्वसमिका बनेगी। वो चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर दे चाहे टेन स्क्वायर प्लस 1 दे, इस सर्वसमिका का निर्माण होगा। और इसी तरह से 21 22 23 भी हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। और बच्चों सुनो, आज 18 तारीख है, 18 फरवरी, इनको थोड़ा सा दो चार बार लिख लेना, ठीक है, तो आप कभी कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखना, लिखोगे तो 14.3 आसान लगेगी, और वो 10th क्लास में 6 नंबर का एक सवाल देके जाएगी। अभी जो बोर्ड की परीक्षा होगी ना 10वीं वालों के, उनके पेपर आप लोग संभाल लेना, ध्यान रखना, वो बाद में खो देते इधर उधर, और उसमें से ये करने की कोशिश करना। आप तय कर लो कि इस वाले बच्चे का पेपर मैं लूंगा। यस, 21वां सूत्र ये रहा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे बनी सर्वसमिका, तीनों में लंब स्क्वायर का भाग देने पे आया, लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह ये रहा, ठीक है ना बच्चों। ये बेसिक आइडेंटिटी ये पहले नंबर की है, तो इसमें से एक बराबर क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। तो ये थोड़ी सी आप लोगों को शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास से इसको आप आसान बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे मैं भी आप लोगों की तरफ देख के बोल रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, एक बराबर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस एक, और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, एक बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस एक। कई बच्चे मेरे साथ बोल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उतारिए 23वें तक, यस बच्चों,
तो इनमें कब कौन सी सर्व समीका का यूज हो ये हम देखेंगे। अब हम आप लोगों को सीधे 14.2 एक्सरसाइज में लिए चलते हैं जो पेज नंबर 294 पर स्थित है, 294। यस, और बच्चों सुनो, ये उतारते समय ध्यान रखना, कई बच्चे बस एक बराबर कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर की फर्क क्या पड़ता है, नहीं भाई फर्क पड़ता है, तो ये ध्यान रखना, एक बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ही है, ठीक है ना, थोड़ा सा संभल के उतारना इसको, ये ध्यान रखिए। जैसे वो कई बार लिखे रहते हैं ना, कोई स्लोगन लिखे रहते हैं कि अगर आपने सवाल गलत उतार लिया, मतलब ये सर्व समीका गलत उतार ली, तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जैसे कई प्रोडक्ट पे लिखे रहते हैं ना, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कम ऑन, 14.2 पहला सवाल ये रहा आपके सामने। पहला सवाल, कॉसेक ए का मान हमें दिया गया है 5/4, और हमें जो मान ज्ञात करने हैं, ऊपर लिखा है बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधों द्वारा हल कीजिए। हम जो 14.1 में करके आए थे वो हमने क्या किया था, त्रिभुज बना के किया था, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वाला मामला जिसमें दोनों न्यूनकोण में ए या सी होता था, ठीक है। यहां क्या है कि ए थीटा की जगह ए दिया है और हमें जो मान ज्ञात करने हैं वो ज्ञात करने हैं कॉट ए, साइन ए और कॉस ए का। फिर से देखिए, इन तीनों के मान हमें ज्ञात करने हैं, क्रम कुछ भी रख सकते हैं हम, क्रम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पे जब कॉसेक का मान हमारे पास में है तो साइन का तो सीधा ही दिख रहा है, ये 5/4 है तो साइन 4/5 सीधा नजर आ रहा है, व्युत्क्रम वाला मामला। कॉट और कॉसेक में अभी अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या बताया था कि 1+cot² θ बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये संबंध है कॉट और कॉसेक में, एक और आ रहा है इसी जगह पे लिखा था अभी मैंने 21वां सूत्र। तो 1+cot² बराबर कॉसेक स्क्वायर, तो 1+cot² θ की जगह ए आ गया यहां पे सूत्र में, थीटा की जगह ए लिख सकते हैं परिस्थितियों को देखते हुए। इसका मान हमारे पास में है 5/4, यहां से हम इसी लाइन में इस एक को उठा के उधर माइनस का एक लिख रहे हैं, चिंता नहीं करें, स्क्वायर हम लगा रहे हैं। इधर कॉट स्क्वायर ए बराबर 25 माइनस 16 और माइनस एक चल ही रहा है। अब बच्चों लघुत्तम लेना तो आता है ना आप लोगों को, ये 16 तो इधर 25 माइनस 16 बराबर 9/16 9/16। और जब हम कॉट का मान निकालने चलेंगे तो ये कई बार हम बता चुके हैं कि कॉट बराबर निकालेंगे तो वर्गमूल 9/16, और ये न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है तो वो पॉजिटिव मान ही आते हैं, वो आया 3/4। बस कॉट का मान तो आ गया हमारे पास, अब हमारे को किसका ज्ञात करना है मान, साइन ए। तो साइन ए तो वैसे ही दिख जाता है बच्चों, 1/cosec A, 1/cosec A वो क्या होता है इसका व्युत्क्रम, तो वो 4/5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये दूसरा उत्तर हो गया। और तीसरे में हम सर्व समीका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉस और साइन की जो सर्व समीका थी वो पहली थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। और एक और सूत्र हम आपको बता देते हैं कि कॉट ए बराबर आया था हमारा कॉस बटे साइन, जो हमने आपको सूत्र बताए उनसे काम चल जाएगा बच्चों। तो कॉट का मान है हमारे पास, साइन का मान है हमारे पास, तो कॉस का भी आ जाएगा, ये दोनों हम निकाल चुके। कैसे, कॉट ए गुणा
साइन ए बराबर कॉस ए का मान आ जाएगा। तो यहां कॉट ए कितना है, 3/4, साइन ए कितना है, 4/5 बराबर कॉस ए। तो 4 से 4 कट कर सकते हैं बच्चों, कॉस ए का मान आया 3/5। और अगर टेंथ वाले बच्चे बैठे हो ना बच्चों, तो आपके वो जो एक्सरसाइज है ना छठी सातवीं, वो इसी तरह के सवालों पे तो आधारित है। तो एक उत्तर ये हो गया कॉस ए का मान, एक साइन ए का मान हमारा उत्तर हो गया, और एक कॉट ए का। उत्तर माला से उत्तर जरूर मिलाइए बच्चों, ये गणित का मामला है, इससे दोनों बुक भी चेक हो जाती है और हम भी चेक हो जाते हैं। कॉट ए 3/4 दिख रहा है, साइन ए 4/5 बिल्कुल नजर आ रहा है, और कॉस ए भी सही है। ठीक है, तो ये थे आपसी संबंधों वाले मामले। ठीक है, तो संभवतः आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। हाँ बच्चों, एक बार पुनः है स्वागत है आईसीटी की इस लाइव क्लासेस में। अगर ये पहला सवाल आप लोग नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉसेक से हमने कॉट और कॉसेक वाला संबंध निकाल के लेके आए, उससे हमने कॉट का मान निकाला, फिर साइन का मान 1/cosec वाला सूत्र लगा के निकाल लिया, और जब हमारे पास में दो मान आ चुके थे तो हमने ऐसा ही संबंध लेना उचित समझा। ठीक है, कॉट ए गुणा साइन ए बराबर कॉस ए। अब हम सवाल नंबर 2 में लिए चलते हैं, तो आप लोगों को अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे तो अब क्लियर हो जाएंगे। और 14.3 बहुत कीमती है, खासतौर से टेंथ के दृष्टिकोण से, 9th में तो नंबर देंगे ही, ध्यान रखिए। ठीक है, किसी भी सूरत में एब्सेंट नहीं होना, और क्लास 10th के लिए भी हम बता दे जरा, उनके लिए क्लासेस अभी फिलहाल जारी रहेगी, हम खुद बता देंगे कि कब हमारा टाइम टेबल बदलेगा, और उस समय फिर 9th के लिए चलती रहेगी। देखिए, tan a का मान दिया हुआ है 20/21, और हमसे जो मान पूछा है वो पूछा है cos a और sin a का। पुनः देखिए, हमें मान दिया है tan a का और पूछा है cos a और sin a। तो हमारे को पता है tan a बराबर sin बटे cos, लेकिन यहां पे दोनों ही गायब है, एक आ जाएगा तो फिर वो सूत्र काम ले पाएंगे हम। तो हम एक रिलेशन जो ले रहे हैं, अभी अभी हमने आपको बताया था, 1+tan² a बराबर sec स्क्वायर ए। अब आप कहेंगे सर इसमें तो tan तो आ गया, sin cos में तो कोई आया ही नहीं। अरे sec आ गया, इसका मतलब cosec आ गया, cos आ गया, क्योंकि केवल व्युत्क्रम ही तो करना है। तो यहां 1+20/21 का स्क्वायर, तब तक sec स्क्वायर ए इंतजार कर रहा है, 1+400/441 बराबर
सेक स्क्वायर ए, ठीक है ध्यान रखना। अब हमने 441 लघुत्तम लिए, तो ये तो आता होगा ना बच्चों, इसके बटे में अनजाने में एक होता है, दिखा दिया हमने, कई नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफ आती है इसमें। तो यहां पे 441 प्लस 400 बराबर सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर हुआ? हाँ हाँ 841 डिवाइडेड बाई 441, तो सेक ए बराबर, जब हमने यहां का स्क्वायर हटा दिया तो इधर वर्गमूल बन जाता है। अब बच्चों मैंने तो ये बात बता दी, पर ये आप हमेशा के लिए याद रखो कि यहां इधर जाके वो वर्गमूल बन जाता है, इधर क्यूब होता है तो वो क्यूब रूट बन जाता है, ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो सेक ए 29 अपॉन 21, ये सेक ए का मान हुआ, पर हमें तो कॉस और साइन का पूछा था, ये हमने क्या किया, ठीक है। तो अब यहां पे जो सूत्र हम काम में लेंगे वो कॉस ए बराबर एक बटे सेक ए, एक बटे सेक ए का मतलब हुआ जो सेक का मान है उसको व्युत्क्रम कर दीजिए, अंश का हर और हर का अंश, तो यहां हो गया 21 बटे 29। ये आपसी संबंधों से हमने मान निकाला। अगर एग्जाम में नहीं आए लिखा हुआ कि किससे ज्ञात करना है तो आप आजाद हो, चाहे वो 14.1 की तरह से मान के करिए या 14.2 की तरह से मान के कीजिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। ये कॉस ए का मान आ चुका, अब हमारे को साइन ए का भी मान चाहिए, तो साइन ए के मान में हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक वाला सूत्र भी काम में ले सकते हैं, और एक दूसरा टेन और कॉस को यूज लेते हुए भी कर सकते हैं। वो कैसे, इधर ही समझा रहे, या तो पहले उतार लो आप लोग बच्चों, कई हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पीछे रह जाते हैं, उतार लीजिए जल्दी से। यस बच्चों, आप लोगों ने यहां तक उतार लिया होगा। बच्चों ये क्लासेस हमारे तालमेल से ही काम चलेगा बच्चों, ध्यान रखिए, अगर हमने बोला याद करो तो करो, ठीक है ना, नहीं करेंगे परेशान आप भी होंगे और हम भी होंगे बच्चों। तो अब हमारे पास में टेन का मान है, कॉस का मान है, हमें चाहिए साइन ए का मान, तो हम तो टेन ए बराबर सूत्र हम वही लिख रहे हैं, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। अभी मैंने आपको 13वां सूत्र लिखवाया था, इस तरफ 6 और 6 12 और 13वां यही था, यह जरूर है कि एक ही जगह मैंने थीटा लिखवाया था। अब टेन ए का मान है और हमारे पास में कॉस ए का मान आ चुका, तो हम साइन ए बराबर करने के लिए क्या करेंगे, टेन ए गुणा कॉस ए बराबर साइन ए, बस इसका मान लगाइए 20 बटे
21 गुणा कॉस ए का मान 21 बटे 29 बराबर साइन ए। तो 21 से 21 कट गया, साइन ए का मान क्या आया 20 बटे 29। ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया, एक उत्तर ये और एक उत्तर कॉस ए का। अगर बच्चों वैसे देखो ना तो ये लंब बटे आधार था, अगर त्रिभुज मान के देखोगे तो लंब और आधार, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 400, 41 जोड़ा तो 841 का वर्गमूल 29, कर्ण 29 आ गया। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 29 आया। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, वो भी आप लोगों को दिखना चाहिए ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे को मान किससे ज्ञात करने थे, त्रिकोणमितीय संबंधों से, तो वो हमने ज्ञात कर लिए। उतार लीजिए जल्दी से, अगर जल्दी उतार लेंगे तो एक सवाल हम और समझा देंगे बच्चों। तीसरा सवाल, उसमें भी इसी तरह का सवाल है, साइन ए का मान आपको दिया गया है 3/5, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। सवाल कुछ इसी तरह का है ठीक है ना बच्चों, जल्दी उतार लेंगे तो तीसरा भी। और वादा कीजिए बच्चों ये सूत्र याद करके रखोगे, अगली क्लास में मैं पूछूंगा यहां से, कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जिसको वो सूत्र याद नहीं हो। यस, तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, साइन ए बराबर 3/5 आपको दिया गया है, साइन ए बराबर 3/5 और कॉस ए और टेन ए का मान पूछा गया है, कॉस ए टेन ए दो मान आपको ज्ञात करने हैं, इस सवाल की तरह से ही है। तो अब हम एक और संबंध यहां पे बता देते हैं, साइन और कॉस में जो संबंध होता है ना उससे निकालना बता रहे हैं, और फिर वो टेन ए का वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा इन दोनों के मान आने से। कैसे समझिए, इसमें और इसमें कौन सा संबंध है जो दोनों में होता है, वो पहली सर्वसमिका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों इससे भी बाकी की दोनों सर्वसमिकाएं बन सकती है, अगर मैं सभी पदों में साइन स्क्वायर का भाग दूंगा ना तब भी आ जाती है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, अगर मैं सभी पदों में कॉस स्क्वायर का भाग दूंगा ना उससे भी आ जाता है वो टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, आइए 3/5 इसका मान लगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ए लिख दीजिए, इसमें भी ये थीटा की जगह ए लगा दीजिए, बराबर 1। तो यहां क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, हमने 25 लघुत्तम लिया। तो यहां अगर आपको समझ नहीं आता हो तो बटे में एक दिखा दिया करो, एक का भाग 25 बार गया, 25 एकम 25 माइनस 9, ये सब कुछ चल रहा है कॉस स्क्वायर ए बराबर, तो ये घट के आ गया 16/25 16/25। अब कॉस ए का मान जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाँ कॉस ए बराबर वर्गमूल 16/25, और वर्गमूल तो आप लोग सभी जानते हैं ना, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, बहुत अच्छे बच्चों, तो 4/5 आ गया। अब हमें केवल किसका मान निकालना है, टेन ए का, तो टेन ए में अब कोई सर्वसमिका में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में साइन का मान दिया हुआ है,
कॉस का आ चुका है। इन दोनों का इस्तेमाल अभी हम आप लोगों की नजरों के सामने करने वाले हैं बच्चों। यस, ये एक हमारा उत्तर हो गया। यहां तक उतारिए, टेन ए का केवल एक सूत्र हमें इस्तेमाल करना है। उतारिए पहले यहां तक, यस बच्चों। अब यहां पे जब टेन का मान ज्ञात करना है और साइन और कॉस दोनों हैं हमारे पास में, तो साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन का मान क्या है? तीन बटे पांच। कॉस का क्या है? चार बटे पांच। तो बटे में बटा हो गया, तीन बटे पांच और बटे चार बटे पांच। इसमें ध्यान रखना बच्चों, जब बटे में बटा हो जाता है ना, तो ऊपर वाला बटा तो सीधा रखते हैं और नीचे वाला व्युत्क्रम होके गुणा हो जाता है। कई बच्चों को पता तो रहता है कि पांच से पांच कट गया, लेकिन वो पूरी स्थिति ये है कि तीन बटे पांच तो सीधा और ये हो जाता है पांच बटे चार। तो पांच से पांच कटा, क्या आया? तीन बटे चार। तो टेन ए का मान ये हो गया हमारा, टेन ए बराबर तीन बटे चार। ये दूसरा उत्तर हो गया, पहला उत्तर ये है। ठीक है, ऐसे बेहद आसान हम सवालों को बना सकते हैं, वो हमारे अपने हाथ में है। आगे के सवाल आप है ना बच्चों खुद करना, अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। और इसमें अगर आप समकोण त्रिभुज सोचेंगे तो लंब ये दिख रहा है, कर्ण ये दिख रहा है, पांच का स्क्वायर, पच्चीस में से तीन का स्क्वायर हो जाएगा तो सोलह का वर्गमूल चार स्वतः ही आ जाएगा। तो आप मौखिक रूप से भी इनको समझ सकते हैं, अगर पूरी गणित अगर 14.1 अच्छी तरह से आपने की है तो मौखिक रूप से भी इन सवालों को कर सकते हैं। उतारिए जल्दी से ये। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा, तीन बटे पांच हमें दिया गया था, कॉस का मान हम सर्वसमी का ये लेके आए। और दूसरे तरीके से भी निकल सकता है ये सवाल, जैसे आप लोगों के स्कूल में आने के कई रास्ते होते हैं ना बच्चों, एक अगर बंद है तो दूसरे से आ जाओ, ऐसे ही यहाँ पे भी कई मेथड है, किसी भी मेथड से आ जाइए, सवाल के उत्तर सही होने चाहिए। तो आइए आंसर शीट से एक बार इसको भी मिला लें अंतिम क्षणों में। तीसरा सवाल, कॉस ए का मान चार बटे पांच, बिल्कुल सही है। टेन ए ये भी सही है, ठीक है ना बच्चों। तो कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम आपको खुद ही बता देंगे। ये था सवाल नंबर तीन, बाकी के सवाल कुछ आप स्वयं भी कीजिए। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।